यार बड़ा ताली यार आज के बाद इसमें बेटे फिनिश कर दूंगा यार। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से और एक नए वीडियो पर। तो गाइस अभी आ चुका हूं मैं पंभुआ के रिसोर्ट में मुनवाय को लेने के लिए। मुनवाय का कुछ काम है इसलिए तो अभी चलेंगे गुड़ानगर की तरफ में। तो फाइनली मुनवाय तो रेडी हो चुका है। बहुत ठंडा नहा लिया है ना अभी? अभी नहाया है, ठंडा में नहाया। तो चलते हैं ना, चलेंगे। आज सपना बहुत खराब देखा है, सपना बहुत खराब देखा है। और जैसे खराब सपना देखा है वहाँ हम सोया हुआ था, एक काला बिल्ली इतना बड़ा आया है। तो जैसे खराब सपना भी हम देखा था, मतलब कहीं पे कहीं से हम गिर रहा था तो हम उठ गया, तो क्या क्या कर रहा था उसे, तो काला बिल्ली जम करके जम मारा है। ब्लड सोचने तो नहीं आया। सो गाइस, बीतुल का ब्लॉक में स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको बोल रहा हूँ कि मुझे उठा के लेके चलो। ऐसे बहुत दिन में उठा, इतना पतला इतना पतला तेरा वो कितना होगा? पतला नहीं, हल्का। हाँ हल्का, कितना का? 50 हो ना? 50 56। हाँ बस इतना ही है। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। वहाँ पे चलेगा, अंदर में चलो, अंदर में चलो, अंदर के। ओ बाइक की कोई बात नहीं, वहाँ में कोई भी नहीं लेगा। सो गाइस, मतलब 3 दिन हो गया है मैं यहीं पे ही हूँ। और पहला दिन मैं बितुल का घर पे आया था, एंड सेकेंड मैं आज बितुल का घर से आके मैं रेजर पे रहा। मोनूस दोस्त ने बोला कि रेजर पे रह जाओ, रेजर पे रह जाओ। और आज तो आदमी गायब है, पूरा रेजर मेरा हाथ में छोड़ के गया है। तो ये तुम देखो रेजर्ट को बोल के, कस्टमर तो एक भी नहीं आया गाइस, लेकिन टू बी ऑनेस्ट बोला जाऊँ तो आज मैं रहूँगा बितुल का घर पे। उसके बाद कल अर्ली मॉर्निंग में यहाँ से निकल जाऊँगा गाइस। और यहाँ पे देख सकते हो, और पहुँच चुका हूँ छाता जी का यहाँ पर। वो उस दिन लेके आया था हमारे वहाँ से और सब्जी, तो वही बैग को लेके जाऊँ। और मैं लिया हूँ बैटरी का एसिड, तो वो एसिड उसमें निकाल के लेके जाऊँ। ऐसे तो ये गिर भी सकते हैं, काफ़ी रिस्क है। दोनों मिया बीबी मार्केट रुपए में निकालने वाले हैं, तो उसके लिए कहाँ जगह जगह है, है कौन बुकेगा? लेना पड़ेगा एक तो सेकंड हैंड गाड़ी, ऐसे लाख का अंदर में मिलने वाला गाड़ी। 40-50 हजार वाला गाड़ी लेना पड़ेगा। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से। तो अभी तो बज चुका है, लगभग 9 बज चुके हैं। और हम लोग गया था खेत पे, खेत से वापस आ चुके हैं। तो अभी जाना पड़ेगा हम लोग को मार्केट की तरफ पे, और कुछ सामान लेके आएंगे, खाने का सामान, और मुनवाई को भी खाना खिलाएंगे। और देखते हैं बाज़ार पे क्या क्या मिलते हैं। लेकिन काफ़ी लेट हो चुके हैं हम लोग खेत पे, काम करते करते पूरा थक चुके हैं यार। और मुनवाई बोल रहा है कि जंगल पर जाने के लिए, पूरा थक गया यार हम लोग पूरा काम करते करते। और मार्केट चलते हैं अभी, बस ऐसे ही जाऊंगा मैं नॉर्मली, नो हीरो, जीरो करके ही जाऊंगा, जीरो करके ही घूमूंगा। तू भी आ गया मार्केट में? बात बात लोइंग, अंगूर लोइंग, अंगूर लोइंग। ओके बढ़िया है, हमारा सालिस ही है पूरा। सब तो सेलिंग होने के बाद आ चुके हैं हम लोग, काफ़ी लेट हो चुके हैं। बुगरी तुगरी यहाँ पर क्या क्या, और लेते हैं हम लोग सामान उल्टा सीधे, मतलब खाने का सामान और प्लस कुछ रखने का सामान ले लेते हैं यहाँ से। फारंका जी आगे जा रही है, यहाँ पर सेलिंग हो रहा है मधु, हानी 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 हानी, लेकिन नहीं लेंगे, सिर्फ देखेंगे। 300 बोल रहा है, 300 300 तो नहीं होता ये, इसका प्राइस है 250। तो लेकिन छोटा है, यहाँ पर पेमेंट कर रही है, भूख लग रहा है, काफ़ी टाइम हो चुका ना इसलिए। लोकल मार्केट में ना हर चीज सस्ता होता है लोकल मार्केट में। यहाँ पर है बड़ा थाली, तो वो पता नहीं कितना पड़ेगा ये देखते हैं, लेकिन बड़ा है, काफ़ी बड़ा। वह कितना है मेरा तो ऑलरेडी एक तो घर पे पड़ा हुआ है, चलेगा था। हाँ दे दिया, हो गया पेमेंट, पूछ लीजिए। हाँ बरकत थाली 400 में ले लिया यार, बड़ा थाली यार आज के बाद इसमें बैठ के फिनिश कर दूंगा यार। बहुत ही बड़ा थाली ले चुका हमें घर में, तो ऑलरेडी एक तो है, फिर भी लिया हमें। और मेरा दोस्तों के साथ कभी कभी खाने का चैलेंज करने के लिए, ये हंस रही है, देखा बढ़िया है ना, 400 में लिया हमें खाना खाने के लिए। आप कब आएंगे इसमें खाना खाना? हाँ 400 में लिया है, 400 में बुलाने से आ जाएगा एक टू।
हाँ एक तो, हाँ बस एक पीस 400। मैं यहाँ पर ना पूरा चावल रख के वो चिकन मटन रख के फिनिश कर दूंगा कुकिंग के लिए। ये लड़ी है ये, मैं तो ये लिया हमें बड़ा वाला, यहाँ पर फिनिश कर दूंगा। पति देव मेरा पैसा खत्म हो गया, ऑनलाइन पेमेंट कर दो। ऑनलाइन चाहिए, ठीक है ठीक, करते हैं QR कोड। यस ओके, आज के बाद में यहाँ पर खाना स्टार्ट कर दूंगा। हाँ बड़ा। तो दोस्तों काफ़ी सारे हम लोग सामान लेके आए हैं, तो अलग होने से ना वो नया घर पे शिफ्ट होने से बहुत सामान खरीदना पड़ते हैं और पैसे भी बहुत जाते हैं। इसका तो सेविंग 0 बन गया। और मेरा थाली बड़ा है लेकिन बिजली में छुटाया दिया जाता है, बहुत बड़ा है ये हमारा थाली। ये भी मस्त है गाय से, ये 50 रुपये में 3 पीस मिलता है। सो दोस्तों बाजार से आने के बाद आदमी वो चावल के बिता रहते हैं और बिताने के बाद जाएंगे मोबाइल को लेने के लिए, और प्रियंका जी गए हैं सब्जी की खाता के लिए, और अभी चावल बिता के जाएंगे सीधा मोबाइल के वहाँ पर उसको लेने के लिए चावल चावल। और मैं चावल बिता रहा हूँ, चावल भी मतलब वो कुकिंग हो चुके हैं, और वाइफ को हेल्प करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वाइफ ना पूरा थक जाते हैं काम करते करते, तो इसलिए वाइफ लोग खुश हो जाते हैं। और अभी पानी लेके आते हैं, उसके बाद मनु भाई को मतलब चनापड़ा देने के लिए, अभी बहुत टाइम हो चुका है और वो काम करते करते, और वो भी खाना नहीं खाया बोल रहा है मनु भाई, उसको भी काफ़ी भूख लग रहा है। और पानी लेके आते हैं यहाँ से उठा के, प्याज कटिंग। मैं जा मनु भाई को लेने के लिए, ठीक है मुनगा का लेने के लिए। तो अभी चलते हैं सीधा दोस्त का रिसोर्ट में रिसीव करने के लिए, मुनवाई को लाने के लिए यहाँ पर खाना खाएंगे के साथ, थक गया यार मैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर पहुँच चुका हूँ मैं फिर से फील लेने के लिए हमारा लंबू भाई को, बहुत लंबा हो रहा धीरे धीरे लेकिन इस बस लेकिन ब्लू ब्लू आई लव यू हम दोनों, सब कुछ लंबा है। ये कपड़ा पहनते के था जाकर में हम दोनों, हाँ लेकिन ना ये बहुत मैं लंबा हो चुका हूँ सीरियसली। देखो झारखंड में जब था ना बेतुल, ये देखो दिखाओ गए, ये पूरा इतना तक था, इतना तक था, अभी इतना हो गया। मेरा कपड़ा बहुत लास्टिंग होता है। ओके ओके, तो सकते हैं हाँ जंगल में जाएंगे, जंगल में देखते हैं। सो दोस्तों पहुँच चुके हैं और वाइफ किंग कर रहे वाइफ हुआ, हमारे वाइफ हुआ दूध और का ये मटन हुआ चावल हो गया ना, ठीक है। सो हम लोग का ना अभी तक तो खाना तक नहीं पका है, और मुनू भाई तो खाना खा लिया है, मुनू भाई तो यहाँ पर खा लिया मुनू भाई क्योंकि यहाँ पर खाना वाना सब नहीं देता, बहुत खा लिया ना मिर्ची मज़ा लगता है। और मुनू भाई हम लोग को वेट करनी पड़ा था क्योंकि हम लोग बाजार गया था, खेत गया था, इसी वजह से हम लोग का खाना बहुत लेट हो गया था, अभी भी रेडी नहीं हुआ था। मुनू भाई को बहुत तेजी से भूख लगा था इसलिए उसने खा लिया, और वहाँ पर काफ़ी सारे खाना था बॉयल था, तो उसका फेवरेट बॉयल है, हाँ तो मिलते ही फिनिश कर दिया वो। और यहाँ पर बातें कर रहे हैं और इसमें हम लोग सरसों सुखा रहे हैं सरसों। और दोस्तों फाइनली खा पी के भी पूरा कम्प्लीट हो चुके हैं, यहाँ पर आ चुके हैं चाची जी, क्या हाल है? बढ़िया, अपना भाषा से बोलिए ना। अच्छा ओ ठीक है ओके। और यहाँ पर आ चुका है साले जी, और इसमें मार्केट से काफ़ी सारा बकर लिखा है, बहुत सारा फिनिश कर दिए हैं। तो मुनू भाई खाना खाने के बाद बोल रहे हैं जंगल जाने के लिए, मंगल करने के लिए, क्या चलिए जंगल में जाके हम लोग खाएंगे, बोल रहे हैं चटनी बेर खाएंगे, बेर बेर की बेरुआ की चटनी खाएंगे। और यहाँ पर आ चुके हैं बुगरी यहाँ से उतरने के लिए, तो मुनू भाई यहाँ पर आके उतर रहे हैं। मैं तो पूरा थक गया हूँ फिर भी आ चुके हैं, दिन का मजदूरी तो मिल जाता है। रेस्ट करो वहाँ में बैठो, रेस्ट करो तो यहाँ पर जाकर थोड़ा पेशाब करते हैं, बस वही अभी भी खाना खाया हमें, तो पूरा शरीर के खिलाने का मन नहीं है, फिर भी आए हैं बाजी। यहाँ पर सब्जी भी है, जंगल का सब्जी, हाई प्रेशर कंट्रोल करने वाला, तो गाय मेरा आवाज़ बहुत स्लो हो गया, डाउन हो गया, थक गए थकावन में सूर्य बहुत।
ये साग को खा खा के हमारे यहाँ के लोग ना हाई प्रेशर का कंट्रोल करते हैं ये। मैं ना ये बेकार देखने के बाद ना बच्चों देखने के बाद मैं इसे इग्नोर कर रहा था, लेकिन थोड़ा टेस्टिंग करके देखने के बाद ना बहुत ही स्वादिष्ट रहा ये, स्वादिष्ट था। थोड़ा टेस्टिंग करके करके देखिए मनु भाई, बहुत टेस्टी हम खाया है तो। पहले इस्तेमाल करें फिर स्वास्थ्य करें। हाँ पूरा बेकार लगा था मुझे खाने के बाद, फटा सा लगा, इतना मीठा है यार ये। हाँ पूरा मीठा है ये ना, कैसे पता चला ये बोरी मतलब मीठा है करता है, तो इसको देखना सच पहले इससे बोला। कीड़ा कीड़ा खाने के बाद ही कीड़ा या पक्षी लोग खाते हैं तत्म से बोला बोरी बहुत मीठा होता है, ये बहुत मीठा है, मीठा है गाइस। अया इतना चुपता है, हाथ तो ऊपर खराब हो जाएगा, ब्लड निकलते निकलते बहुत झूला झूला। और काफ़ी मिल चुका है हम लोग का बोगरी, अरे मीठा इतना काटा है हाथ तेरा पड़ा हुआ हो गया। सो दोस्तों हम लोग काफ़ी आगे चला गया था जंगल 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 चिर पार्क पे, और काफ़ी मिल चुके हैं। अभी हम लोग जाएंगे नदी की तरफ पे, उसमें कूद कूद के खाएंगे, फिनिश कर देंगे। मैं तो इतना खा नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं अभी भी खाना खाया हमें, और जैसे तैसे बात कर रहा हूँ, बहुत थक गया गाइस, बहुत बहुत रेस्ट लेना पड़ेगा और मैं रेस्ट नहीं ले रहा हूँ आजकल। अरे उधर में लड़की है शायद, ऋतु होगा। यहाँ पर मिल चुके हैं दो दो भूतनी, भूतनी भूतनी हम लोग की तो दो है। हाँ हाँ जंगल का बीच में ये लोग स्कूटी से दो भूत निकला है और भूतनी दो भूतनी। तो अभी हम लोग जाएंगे इस तरफ नदी की तरफ जाएंगे, वो चीर पार के खा देंगे ये मिर्ची के साथ वो बुगुरी। नहीं कुछ तो उठाने जा रहे हैं, बस वही कुछ नहीं उठाएंगे। यहाँ पर मिल गया दो भूतनी और हम लोग भूत बन रहे अभी, चलो ना। और आ चुका है सीधा जंगल की ओर से यहाँ पर नदी के किनारे, नदी तो नहीं है बस ये, यहाँ पर खाएंगे पियेंगे बस बोगरी का चटनी खाएंगे, और बहुत प्यास लग रहा है मुझे यहाँ से पानी पी लेंगे थोड़ा बहुत। सो यहाँ पर आ चुके हैं पानी पीने के लिए, और यहाँ से इस तरफ जाएंगे थोड़ा सटका जाएंगे तो मुम्बा के रिसोर्ट में जाएंगे, तो वहाँ पर फिनिश कर देंगे। और बस थक गया गाइस यार, बहुत थक गया मैं, और ये जगह मतलब मुनु भाई को पसंद नहीं आ रहा बोलता है, इसमें नहीं खाएंगे बोला, आगे की तरफ खाएंगे। इससे भी यहाँ पर आने के बाद प्यास मिल गया मुझे, तो जाते हैं उस तरफ। दोस्त बोल रहे थे दोस्त खाते जाना पड़ेगा। हाँ आ रहा मुनु भाई, बहुत गर्म लग रहा है यार, पूरा बांध रही है फम्बा कर रहे शॉर्ट, तो इसमें फिनिश कर देंगे। आते समय इसलिए हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। तो गाइस मैं यहाँ पर ना रेस्ट कर रहा हूँ, मुनु भाई गया है वहाँ पर बूरी की चटनी खाने के लिए, तो मैं जस्ट खाना खा के आया हूँ, इसलिए मुझे खाने का मन ही नहीं है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा रेस्ट करूँगा। तो मुनु भाई को खाने के बाद वो फिर से विधि स्थल करेंगे, थोड़ा इसमें 5-10 मिनट रेस्ट करते हैं गाइस, खाना खाने के बाद रेस्ट करने के लिए नहीं मिला, वाह सुकून मिल गया गाइस। मुनु भाई को वेट करते हैं, गया है वहाँ पर खाने के लिए मिर्ची, बहुत फिनिश करने लगता है हमारे घर पे जाने के बाद ना, बहुत खाया मिर्ची। और आ गया मुनु भाई अभी आने के बाद, लगता है इसका पैर दर्द कर रहा है, कितना खाया मिर्ची, बहुत बहुत खाया, पेट दर्द नहीं दे रहा, सुस्ती लग रहा है अभी खाने के बाद। ओके मुनु भाई का कहना है कि उन्होंने सेटिस्फाई नहीं हुआ बुगरी की चटनी खाने के बाद, फिर से बोलता है अभी खाएगा यार, फिर से खाएगा चटनी बना के वहाँ पर ही खाएंगे। पत्ता में हाँ तो कहाँ रखा पत्ता, पत्ता लेने के जा रहा है, पत्ता में भी चाहिए खाएंगे यार, मैं तो नहीं खाऊंगा बस बस थोड़ा खाऊंगा टेस्टिंग के लिए। मैं बहुत थक गया हूँ गैस में, और गाली खा खा के भी थक चुका हूँ, और काम कर कर के भी थक चुका हूँ, वीडियो बना बना के भी थक चुका हूँ, फिर भी हार नहीं मानूंगा, फिर भी मैं रेगुलर वीडियो बनाऊँगा गाइस। कोई भी नहीं आ रहा साथ में, और कस्टमर ही नहीं आ रहा है खाने वाला आदमी, इतर भी नहीं आ रहा है खाने वाला। तो अभी मुनु भाई के साथ बोगरी की चटनी फिनिश कर देंगे, इसी में फिनिश करेंगे। पता नहीं मैं इस वीडियो में कितना बार बोल चुका होंगे कि मैं थक गया थक गया था थक गया हूँ, दूसरा को बोलना नहीं चाहिए अपना सीधे इस तरफ, तो चलते हैं इस तरफ, उस तरफ भी खाएंगे।
इस तरफ चलते हैं आगे की तरफ, वहाँ पर एक कुआ है और इसमें एक तो हर्ष है। और कुछ लोग को ये पता है, इंस्टाग्राम में कमेंट कर करके बोल रहा है, मैसेज कर करके बोल रहा है, क्या हो गया भाई आजकल इतना तेरा चेहरा मुरझा हुआ क्यों होते हैं। लेकिन मैं वो चीज़ बता नहीं सकता, सोशल मीडिया में ना हर चीज़ शेयर करना नहीं चाहिए और करना भी नहीं। तो जो जो हो गया हो गया, अंदर अंदर में फिनिश करना है। तो सोशल मीडिया मतलब कुछ लोग नेगेटिव लेते हैं, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वो चीज़ सोशल मीडिया में कुछ भी शेयर नहीं करना है। अपना पर्सनल लाइफ या पर्सनल डिटेल वो चीज़ अपना कमजोरी बन जाते हैं, इसलिए शेयर नहीं करना है। इवन दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं करते हैं, कुछ दोस्त गिने चुने दोस्तों के साथ ही शेयर करते हैं। अपना धूप धार तो मुंबई जा रहा है उस तरफ, फिनिश कर देगा। इतना थक गया हूँ कि मैं घूम ही नहीं पा रहा हूँ, और फिर से वो वॉट निकल गया यार, मेरा आग भी कमजोर हो चुका है। ऐसे बात नहीं, टेस्टिंग करते हैं गाइस। हम लोग ना खा नहीं पाएंगे गाइस, इसलिए बच्चे लोग को बुला के खाओ। वाह बढ़िया, वाह। तो दोस्तों बगोड़ी की चटनी खाने के बाद वापस आ चुके हैं, और मुनु भाई ये लेके जाएगा। पाँच दिन हो चुका है मैं यहाँ पे रहते रहते बुरा हो चुका हूँ। आई भी जवान हूँ, 23 इयर्स के हो, कहाँ बुरे हो। मैं तो रियल बुढ़ा हूँ, मैं मेरा उम्र 30 साल है, इससे भी बुरा मुझे दिखा मिलता है। मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, बुढ़े ब्राऊ ब्राऊ। और सो गाइस, आज की वीडियो को अभी यहाँ पर फिनिश करेंगे, तो मिलेंगे कॉल फिर से और एक नए वीडियो के साथ। तो बाय बाय दोस्तों और गुड नाइट। तो बढ़िया से रहना और बर्फेट खाना खाना, और मैं अभी वीडियो को सेव करूँगा। बाय बाय गाइस, ब्लू ब्लू आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और बिदलो का सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो हमेशा हूँ इसके साथ, सबके साथ मैं हूँ बुराई के वक्त में। और बाय बाय सभी को। अरे तमुआ का चलता रहे, इसके साथ काम चलाऊंगा मैं, मेरा। चलेगा चलेगा, बस 5-10 मिनट में ही हो जाएगा आराम से। बाय और गुड नाइट, डालेंगे अभी अंदर तक इसके बाद चार्जिंग।